स्त्री अभी गर्म हो रही है, स्त्री गर्म हो रही है अभी, ये सब स्त्री करनी है मुझे, ये सारे कपड़े रखे हैं ये स्त्री करने हैं, और उसके बाद इसमें पैक करना है। तो ऐसा है ना, जब थोड़ा थोड़ा करके काम करती जाऊँगी, बैग में स्त्री चालू में कर रही हूँ। मेरी स्त्री बहुत अच्छी है, बिना वायर की है, तो मुझे ये अच्छा लगता करना इसमें। तो कुछ चलो वो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े कपड़े करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा काम करती जाऊँगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि हल्का हो जाएगा। कल सुबह निकलना है, कल 11 बज जाए 12 बज जाए तो पैकिंग तो करके रखें, जो भी पहनना होगा उसको निकाल लेंगे, और जो जो रखना है वो मैं इस्त्री कर करके बैग में जमाती जा रही हूँ। और साथ का एक जोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी, बच्चा है देखो, कुछ खाना वाना गिर जाए गंदा हो जाए तो चेंज तो कर सके, इसके लिए इसका एक आध जोड़ा मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी। हो जाती है बच्चों को, खासकर बच्चा जब साथ में हो तो मैं दवाई लेके चलती हूँ। तो दवाई ले, चलो इतनी लंबी बात कर दी मैंने आपसे, दवाई ले ली मैंने, साथ को चिकन रोल पराठा खाना था वो भी ले लिया, और पैकिंग भी हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम मैंने टाइम पे कर दिए, और अभी शायद थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो वो भी कर दूँगी रात में। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे लिए, कल और आज दो दिन मैं इतना बिजी रही हूँ फ्रेंड्स, दिन मैं जो सुबह की उठ रही हूँ ना डायरेक्ट रात को ही लेट रही हूँ, दिन में मेरे को 10-5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला लेटने को, और कल रात को तो ऐसा, और रात में ना वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह करने भी नहीं लिखी फ्रेंड, आज तक पहली बार है कि गाँव की शादी देखूँगी मैं, और बहुत शहर की शादी तो ऐसा था, हम लोग जाते ही रहते हैं घर में, घर के आसपास निकलती रहती है रिश्तेदारों की, लेकिन गाँव की शादी इतनी निकलती नहीं, क्योंकि वहाँ से दफा रिश्तेदार कोई है नहीं, तो उसके लिए शादी जो निकली है उसको हम बड़ी मतलब ऐसा खुश होकर जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ना कहीं और जा रहे हैं, बहुत अच्छे शहर में जा रहे हैं। निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, और लेकिन जब पानी पूरी देती हूँ ना भैया तो पानी पूरी खाने का मन हो जाता है, कैसे चलेगा ऐसा। तो मैंने सच्ची में अपने आप से प्रॉमिस किया था मैं पानी पूरी देखूंगी भी नहीं और खाऊंगी भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता इस जन्म में, तो नहीं हो सकता भैया, खा लेते हैं खाने की चीज़ें तो खा ही लेते हैं फ्रेंड, कौन सा डाइटिंग वाइटिंग करके अपन को हीरोइन वगैरह बनना है, हाँ कौन सा डाइटिंग करके अपन को है ना वहाँ पहुँचना है, ऐसे ठीक है अपन है ना सर। तो मोटी मम्मी फंसा ना, तेरी मम्मा मोटी ही चलेगा, हाँ तो बस मेरे बेटे को चलेगा टहल चल रही है, अब्बा उनको भी टहल चल रही होगा, तो मोटी ही चलेगी। चलो मैं पानी पूरी खाती हूँ, ये सब रख लिया, हाँ चीज़ रख ले, चीज़ तो तेरी ज़रूरी है, ये सब भी चैन नहीं लगेगी, वो सामान है इसमें मेरा नहीं लगेगी, बस बस चलो खड़े हो गए आके जाने के लिए, भाई मेरा भी आ रहा है गाड़ी के पास खड़े हम लोग। रात में कितनी भी तैयारी कर लो फ्रेंड, कितनी भी मैं रात में इतनी तैयारी करके करके सोई थी कि सुबह में मुझे टाइम नहीं लगे, उसके बावजूद 12 बज गए, 12 से ज़्यादा ही बज गए, और अभी हम लोग यहीं खड़े हैं, टाइम लग ही जाता है चलते समय, तो ज़्यादा हबड़ हबड़ रहती है, ये रख लिया कि ये नहीं रखा, क्या पहनना है चलते समय, नहाना वगैरह सब, इतना टाइम लग गया था और अच्छा भी लग रहा था, एकदम ऐसा शादी वाला माहौल लग रहा था घर के अंदर। बस अल्लाह सफर साथ खैर के साथ पहुँच जाए, बहुत जाए चले हम लोग, और हम लोगों ने भूख लगी गाड़ी, अम्मी खाना घर से लेके आई थी, अम्मी के बच्चे ना साथ में भूख लग जाती है, तो खाना घर से हम लोग लेके आए थे, खाना खा लिया है, और ये न्याज आई थी, ये न्याज कितनी बिटी गया बहुत टेस्टी है न्याज की है, तो ये आई थी सुबह सुबह, तो हम लोगों ने ये भी रख ली, और ये खाते खाते जा रहा है।
सबके मुँह चल रहे हैं, सब खा रहे हैं। अम्मी आगे बैठेगी कंफर्टेबल में, बैठेगी बच्चों के बीच में बिछ के बच्चों के बीच में बिठा दिया। परेश रावल है हमारे साथ में, गाड़ी चला रहा परेश रावल। ना गलत रास्ते पे आ गए तो गांव के अंदर अंदर खेतों में होकर चल रहा है फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है और वो जो गोबर की खुशबू आ रही है बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीधा ना एड्रेस पूछते पूछते निकल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे आ गए है ना, आगे आ गए ना। हाँ तो गांव के अंदर से आ रहे हैं देखो फ्रेंड्स, जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ तक हरा हरा इतना अच्छा लग रहा है सच्ची में। मैं अम्मी से बोल रही थी, अम्मी इसलिए सब कोरोना में सब लोग गांव भाग रहे थे क्योंकि गांव में क्या था हवा अच्छी रहती है और चारों तरफ एकदम से हरी हरी चीजें दिखती हैं। हम सब लोग उतरे हैं अभी कुछ खाने के लिए, गांव में आओ गांव की चाट वाट नहीं खाओ तो मतलब नहीं है ना गांव में आने का। तो बस वो जब हम हैं थोड़ा आ गए वो चाट। ये क्या है भैया, ये क्या है पकौड़े, ये पकौड़े है। अच्छा अच्छा वो चाट खाने थी चने की, छोले छोले आ गए, छोले 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 की तरह हमें थोड़ा खाते हैं, गाँव का मजा लेते हैं, शहर का खाना तो खाते ही रहते हैं। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ उन लोग की चाट वाट देख के, मुँह में पानी आ रहा है। देसी, अरे वाह ये बल्ले हैं, कितने अच्छे बल्ले हैं आगे ये बना रहे हैं। हाँ ये बल्ले हैं बड़े बड़े। हाँ अच्छे बना रहे भैया, हमें तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा भैया, ऐसा कभी नहीं मिलेगी देते है ना। वो है जीरो शुगर, आगरा जाएंगे ये तो कोई तांगे से दूल्हा बैठ के आगरा जाएगा। आ गए हम लोग ये सारा बंद कर देते हैं, इनके शादी में आए वो इनके इनके घर आए और ये रही लड़की, ये दुल्हन मेहंदी लग रही है। अभी आराम कर लो फिर आराम का टाइम नहीं मिलेगा। डिजाइन की लगा रही है, नहीं अच्छी लगा रही है। अच्छा खाली पैर जो रहेगा नहीं जानकी, हाथ में तो लगवा लग गई, अच्छी लगा रही है। गाँव की दूध की चाय चॉकलेट कैसे पी ली तुम, चाय गरम गरम पी ली, पी रही कैसी है ना। का हमारे यहाँ से दूध पीते मिलेगा ना जैसे अपने शहर में मिलता रहा, हमको दूध पीते इतना अच्छा है तो चाय में तो टेस्ट आएगा ही आएगा भैया। ये समरीन का घर है, हमारी खाला की लड़की उसकी दादी का घर है। ये हेडपम्प चूल्हा जे, ये क्या है इसके अंदर अंडिया,
हाँ जी, ये काय के लिए ऊपर ढक दो ऐसी, इधर से आगे तो जाएगी। अच्छा बताओ जरा, है साइंस भी, साइंस तो पहले यहीं आया लग रहा है मुझे। हम इनके घर आए ना, बहुत टाइम आते नहीं है ना, गांव में आना जाना कहाँ लगा रहता है। तो मेरे भाई कह रहा था तुम उनके घर जा तो रही हो, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे लेकिन उन्होंने पहचान लिया ऐसी बातें करता है वो औरतों के साथ। मैं आ गई खेतों में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, पूरे हरे हरे खेत है, मतलब खेत तो हरे ही होते हैं। कौली बावली हो गई हूँ मैं, मतलब मैं कहाँ खड़ी हूँ अभी, मैं खड़ी हूँ मटर के खेत में। मैं पहली बार लाइफ में मटर के खेत देख रही हूँ और चारों तरफ ना मटर ही मटर लग रहे हैं। खेत दिख रहे हैं आपको फ्रेंड्स, ये सब सरसों का गेहूं सबके अंदर इतने सारे मटर, मटर इतने मीठे, मैं वही खा रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे आके। और जमीन धस रही है, नीचे मतलब गीली है ना, नीचे धस रही है ऐसा करके, तो कैसे गिर मुझे नहीं देखो एकदम से खेतों में खेल रहा है साध। माँ कसम इतना खूबसूरत नजारा है। हाँ बेटा खा लो, मटर खाएंगे फ्रेंड्स। ये देखो अपनी लाइफ में पहले हाथ से तोड़ के मटर खा रही हूँ मैं, खाती हूँ। मम्मी हाँ बेटा, और अच्छा भी लग रहा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल इतना खुश हो गया ना, कहाँ मिलती है हम लोग को ये लाइफ। मीठे रखे मटर, मीठे साथ बिल्कुल मीठे, बिल्कुल मीठे। शहर में अपने पास जो आते हैं वो पुराने होते हैं ना, शहर में आते हैं वो दो दिन के लिए। ढंग से बना बाबू, शहर में आते हैं वो। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जगह जाने का, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहीं बैठी रहूँ। और ये खेत है ना जिसके मटर खा रहा है, ये मेरी भाभी है ना, उनकी उनकी बहन की खेत है। तो ऐसा नहीं हम किसी के खेत में घुस गए, मेरा भाई आया ना वो भी टूल रहा है वहाँ पर खेतों में, ये उन्हीं के घर के खेत है खुद के। बस और दूध खेत कितने का, मतलब कितने आज की रेट में? 52,000 का। और अभी बेचोगे? अभी बेचो ये खेत ना सारा, मैं आपको बता रही थी ये इनका खेत है। 52,000 का पार साल, उन्हें घाटा पड़ेगा लेने वाले में। अच्छा ये बेका मैंने 40,000 का भी कल परसों। अच्छा ये भी खेत इनका ही है, इसके इसके बिक गए मटर, बेच के जो लड़ गई बिक गई। हाँ वो बिक गई है। अभी इसमें क्या बोया है? मक्का। मक्का बोई अभी। ये कितना टाइम लग जाएगा इसमें आने में? ये 3 महीने में, 3 महीने मक्का तैयार होगी। सही है भैया, ये देखो असली किसान वहाँ पे दूर है ना, वो भी खेत इनका, वहाँ पे गेहूँ है। इनकी भैंस भी है ना, भैंस वहाँ बंद रही है। अच्छा दूध, हाँ चाय पी थी भैया, बहुत अच्छी चाय लगी थी हम लोग को के ना, दिल वाले दुल्हनिया याद आ जाती है। हाँ एक फूल मारूं, दिल गार्डन गार्डन हो गया सब चीज देख के, फूलों का बाग हो गया आपको दिख रहा होगा। और तो मैं घर जा रही हूँ, शॉर्ट वीडियो मुझे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाने थे मुझे, इस मौके को हम हाथ से नहीं देना जाना हाथ से मौका नहीं देना जाना चाहती, क्या मतलब मौका नहीं जाने देती मैं, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, रात हो गई है, शॉर्ट करने थे मुझे, शॉर्ट वीडियो बनाने थे मुझे लेकिन रोशनी की वजह से नहीं बना पा रही। खैर कोई नहीं, सुबह मैं आऊँगी इंशाल्लाह। कितना पतला पतला रास्ता देखो फ्रेंड्स, संभल संभल के चल रही हूँ वरना मैं गिर जाऊँगी। अच्छू को मैं 2 पट्टी की चप्पल घर से रख के लाई थी, क्योंकि मुझे पता है गांव में हिल पेन करना चलना पॉसिबल नहीं है, अकलमंदी का काम किया मैंने। हाँ अरे मासूम देखो चाय बन रही है, चाय ना पी ले, देसी चाय बन रही है।
देसी की बात ही कुछ और होती है। हाँ। देसी देसी होता का। आज जिसके घर में शादी है, मतलब जिसकी शादी है दुल्हन, उसका लहने लहंगा लेने के लिए आए हम लोग। लहंगा ले लिया था, थोड़ा सा अल्टर वगैरह का जो होता ना, फिटिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू था, तो वो टेलर के डाला था। तो भाभी लेने के लिए गई है, तो हम सब लोग ना वही उसको लहंगा लेने के लिए आए। और शादी वाले घर में, किसी के घर में शादी हो, चाहे गाँव की हो, चाहे शहर की शादी हो, किसी की भी हो, लास्ट तक काम रहता है, लास्ट तक। तो बस हमने सोचा सब चलो साथ चलते लहंगा लेके आते। तो बात कर रही है टेलर से कि कैसा करा है कैसा नहीं करा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी अब तक की शादी की सबसे बेस्ट शादी है जो मैंने इतनी एंजॉय करी है। हाँ साथ साथ नहीं भी। मम्मी को मटर के खेत दिखाने ले आ रहे हैं। मैं तो रात को दिख के गई थी, अम्मी नहीं आई थी ना, तो अम्मी को लेके आए हैं साथ में रिश्तेदार जी, मेरे बड़े भाई हैं उनके साले। अम्मी और साहब दोनों गिर गए एक ऊपर एक, रास्ता टेढ़ा जी गिरा जी, गिरा गिरा गिरा, तू भी गिरा। छोटे छोटे किसान बाल मजदूर है, बाल मजदूर सद्दू सद्दू साथ दिखा, साथ बहुत खुश है। बाल मजदूर है जी, देखो जी बड़े मजदूर है। अभी हम लोग ना, हम लोग नहीं बच्चे, मेरे भाई ने टूल में जाकर नहाने के लिए गरम पानी में, सब फेंक है, झूठे सब झूठ जाएगा जाएगा। फ्रेंड को मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये भी झूठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं नहीं बोलती। गाँव की ज़िंदगी सुकून की होती है फ्रेंड्स, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं। बीच में उतर गया, घर वापस जा रहे हैं बैक टू आगरा। बस अभी लड़की विदाई नहीं हुई थी, और हमने तो लड़के को भी नहीं देखा, दूल्हे को भी नहीं देखा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, जाते में रात हो जाती ना, इसके लिए हम लोग निकल लिए, रुके नहीं। और मैंने दुल्हन को क्या मतलब लगता ना कि देखो चलो उसको तैयार होके कैसी लगती है, क्या कुछ भी नहीं देख पाई। अभी घर जा रहे हैं, रास्ते में अमरूद लेने रुके हम लोग। आ गए फ्रेंड्स, बस 5 मिनट हुए आ हुए। अम्मी जो शादी में से खाना लेके आई थी, वो खाने को गर्म कर रही है, बर्तनों में से निकाल रही है, ताकि वो खाना ख़राब नहीं हो जाए। अगर ख़राब तो नहीं होगा, शाम का ही खाना था वो। और बस वही सब, देखो पसारा फैल हुआ है, ये रहा वो बैग रखा हुआ है, बहुत सारा आंगन में भी बहुत सारा पसारा रखा है। तो उस काम के लिए कल के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं, अभी रात में कर लूँगी, चाहे मेरे को आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे। उस सब सामानों को मेकअप है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, सब कुछ जगह पे रखूँगी, तभी दवाई खाऊँगी, उसके बाद नहीं चाय बनाऊँगी, फिर दवाई खाऊँगी, उसके बाद आराम से लेटूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स थकान तो हो जाती है। ये मैं आपसे क्या बोलूँ कि थक गई हूँ, सांस फूलती हूँ, घर से निकलो तो थकान तो हो जाती है। और ये तो शादी का माहौल था, रात में सोए हुए भी नहीं थे हम लोग, अभी आराम से सो जाएंगे, कोई नहीं। इधर इतना सब इन्जॉय के लिए थोड़ी बहुत थकावट तो चलती है फ्रेंड्स, बाकी कुछ नहीं। बस मैं सामान कल के लिए नहीं छोड़ूंगी, कि कल रख दूँगी, पड़ा रहने दो। अम्मी तो अम्मी से बोलूँगी, अम्मी बोल दूँगी कहीं छोरा है क्या, कहीं जा रही है क्या, हो कर लिए कर लेना आराम से, कल कर लेना। पर मैं भैया इसमें की नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ काम हो रहा है होन दो, उसको जगह पे रख दो, बस वो इधर बैग पड़ा है कोने में, उधर बैग पड़ा है। फ्रेंड्स मैं बड़ी इरीटेट होती हूँ, मेरे को बस ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि सामानों को ऐसे ही पड़ा रहने दो। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस जब जैसा आप मुझे प्यार दे रहे हो, आगे भी मेरे चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए, मुझे ऐसी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे आपके सब्सक्राइब मेरे चैनल की बहुत ज़रूरत है प्लीज़ फ्रेंड्स।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। और आगे के इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग अब मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे ब्लॉग में काफ़ी टाइम हो रहा था ये मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब वो नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी दो दिन में, एक दिन में मैं अपना ब्लॉग डालती रहूँ, ताकि आपसे मेरा कनेक्ट हमेशा ऐसे ही बना रहे, टूटे ना बस वो कनेक्ट। चलिए मिलती हूँ इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह, जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।